डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। इस सवाल में हमें दिया है कि किन्हीं तीन क्रमगत सम पूर्णांकों का योग जो है वो 54 है, तो इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि हमारी जो बीच वाली पूर्णांक है वो x है, तो इसके अगला जो सम पूर्णांक होगा वो x धन 2 होगा, और इसके पीछे वाला जो सम पूर्णांक होगा वो x माइनस 2 होगा, और हमें दे रखा है कि इन तीनों का जो योग है वो बराबर 54 है। अब इसको हम जोड़ के x के लिए हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक ये x ये धन x ये धन x तीन बार ये x हो जाएगा, तो ये 3x और ये माइनस 2 और ये प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, तो ये बराबर 54। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 54/3 बराबर ये हो जाएगा 1 और ये 8 18 18 तो 54 होता है, तो हमारा x का मान हो गया 18, यानी कि ये जो बीच वाली संख्या जो है ये 18 होगी, ये वाली संख्या हमारी 16 होगी और ये वाली संख्या हमारी 20 होगी। हमसे पूछा है कि सबसे छोटी जो है सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी, तो वो हमारा 16 हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।